फ्रांस में ट्रैफिक चेक के लिए न रुकने पर अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय नौजवान की पुलिस की गोली से मौत के बाद हाल ही में देशव्यापी उग्र हिंसक प्रदर्शन हुए थे। सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा कि इन प्रदर्शनों में अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। पॉलिटिकल खिलाड़ी नामक यूजर ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरों को शेयर कर लिखा कि अगर समझते हो तो बताओ कि फ्रांस दंगों का जिम्मेदार कौन है। हालांकि फ्रांस महान न्यायपालिका प्रणाली वाला एक विकसित देश है, लेकिन किसी को भी इस पर विश्वास नहीं है। पुलिस ने एक लड़के को गोली मारी और मुस्लिमों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। पासा कैसे पलटता है। एक अन्य ट्वीट में पॉलिटिकल खिलाड़ी ने लिखा, हमारे डी ग्रेड राजनीतिक दल कांग्रेस और इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अनुसार वह केवल भारत और उनके बीच प्यार और मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। ग्राहक केवल इस्लाम के अन्यायी मुसलमान होने चाहिए। फ्रांस ने भी मोहब्बत की दुकान खोली थी, हाल खुद ही देख लो। हैरिस सुल्तान नामक यूजर 1000 से अधिक शब्दों में ट्वीट किया है, जिसका एक अंश कुछ इस तरह है कि चाहे वह लंदन में विस्की पीने वाला उदारवादी मुसलमान हो या टोरंटो में कट्टर सल्फी, वे सभी पश्चिम के प्रति अपनी दुश्मनी में एकजुट हैं और जब भी फ्रांस या स्वीडन या बेल्जियम जैसी घटनाएं होती हैं तो वे खुशी मनाते हैं। एमी मेक ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि इमाम शेखी बगाड़ते हैं कि जिहाद के माध्यम से फ्रांस एक इस्लामी देश बन जाएगा, पूरी दुनिया इस्लामी शासन के अधीन हो जाएगी, फ्रांसीसी इस्लाम में कन्वर्ट होंगे, जजिया अदा करने पर मजबूर किया जाएगा या अल्लाह के लिए जंग की जाएगी। 2017 में फ्रांस ने खुली सीमा नीतियों के खतरों के बारे में मेरे द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं को खारिज करते हुए मेरे ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगाकर मेरी चेतावनियों को चुप करा दिया। अब जैसा कि मैंने पहले ही आगाह किया था, वे चिंताएं साकार हो गई हैं और देश को देश हारने के दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। वे मुस्लिम आपको अपनी योजनाएं बताते हैं, आप उन पर कब विश्वास करना शुरू करेंगे। ट्विटर वेव के अनुसार एमी मेक एक खोजी पत्रकार हैं। एक यूजर ने लिखा कि क्या होता है जब आप हजारों मुस्लिमों को अपनी भूमि पर आक्रमण करने की अनुमति देते हैं। फ्रांस में एक और चर्च में आग लगा दी गई, 16वीं सदी का कैथोलिक चर्च जलकर खाक हो गया। वीडियो में एग्लिस नोट्रे डेम ड्रोसने की मीनार को ढहते हुए देखा जा सकता है। वहीं अन्य सोशल मीडिया यूजर्स भी इसी तरह के मिलते जुलते दावे कर रहे हैं, जिनका संदर्भ समान है कि फ्रांस में हुए हिंसक प्रदर्शनों के लिए सिर्फ मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है। वायरल दावे की हकीकत जानने के लिए दीपरक टीम ने गूगल पर कुछ कीवर्ड की मदद से सर्च किया। इस संदर्भ में हमें कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। न्यूज वेबसाइट देफ ने फ्रांस के गृह मंत्री मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर ऑफ फ्रांस गेरार्ड डर्मेनिंग के हवाले से न्यूज पब्लिश की है कि फ्रांस में हुए दंगों में गिरफ्तार किए गए लोगों में से 10% से भी कम विदेशी हैं। फ्रांसीसी वेबसाइट यानी सफक ने भी आंतरिक मामलों के मंत्री गेरार्ड डर्मेनिंग के हवाले से न्यूज पब्लिश की है कि उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 10% से कम विदेशी हैं। यानी सफक की रिपोर्ट के अनुसार गेरार्ड डर्मेनिंग ने कहा कि 90% फ्रांसीसी थे और गिरफ्तार किए गए लोगों में से केवल 40 लोग एक प्रशासनिक हिरासत केंद्र के लिए पात्र थे। उन्होंने कहा, हम में से कई लोग यहाँ पड़ोस से आते हैं, आप्रवासन से आते हैं और अपने देश से प्यार करते हैं और हम विदेशियों से नफरत या पुलिस से नफरत नहीं चाहते हैं। पत्रकार ऋषि सूरी ने ट्वीट किया कि फ्रांस में हाल ही में हुए दंगों के लिए प्रवासियों और मुसलमानों को जिम्मेदार बताए जाने के दावों पर फ्रांसीसी सरकार ने सफाई दी है। फ्रांस के गृह मंत्री ने कहा, 4000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से 90% फ्रांसीसी थे, केवल 10% विदेशी थे। इन 4000 में से केवल 40 लोग अवैध अप्रवासी थे। वहीं अन्य मीडिया हाउसेज ने भी गेरार्ड डर्मेनिंग के बयान को पब्लिश किया है। दीफ्रक के इस फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि ये दावा कि फ्रांस में हुए दंगों के लिए केवल मुस्लिम समुदाय ही जिम्मेदार है, क्योंकि फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर गेरार्ड डर्मेनिंग ने बयान दिया है कि फ्रांस में हुए दंगों में 90% फ्रांसीसी थे।